सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीए थर्ड ईयर के कुछ मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो डेली वीडियो लाता हूं उससे रिलेटेड आज मैं कुछ आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, कि ऑब्जेक्टिव से हैं। सो गाइस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर ले। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। सो गाइस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो गाइस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल की विधा किस लेखक की है। तो गाइस, इसका ऑप्शन है फर्स्ट रामचंद्र शुक्ल, एंड सेकेंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद, एंड थर्ड ऑप्शन है महावीर प्रसाद, एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राम विलास शर्मा। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि भक्तों की परंपरा की विधा क्या है। सो गाइस, इसका फर्स्ट ऑप्शन है उपन्यास, एंड सेकंड ऑप्शन है नाटक, एंड थर्ड ऑप्शन है कहानी, एंड फोर्थ ऑप्शन है निबंध। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निबंध। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संकलन आचार्य द्विवेदी का नहीं है। सो गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पूछ लेता है या नहीं है। तो गाइस, इसमें पूछ रहा है कि आचार्य द्विवेदी का नहीं है। तो गाइस, इसका ऑप्शन ए है विचार प्रवाह, एंड बी है आलोक पर्व, एंड सी है कुटज, एंड ऑप्शन डी है सोम विचार। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सोच विचार। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कहीं पूछता है और कहीं पूछता नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है द्विवेदी का नहीं है। तो गाइस, इसका फर्स्ट ऑप्शन है कल्पलता, एंड ऑप्शन बी है चिदविलास, एंड ऑप्शन सी है बसंत आ गया, एंड ऑप्शन डी है कल्पचरुता। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिदविलास। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि आम फिर बौरा गए किस लेखक का निबंध है। तो गाइस, इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, एंड ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एंड ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि आम फिर बौर गए इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाम किससे बड़ा होता है। क्या चार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाम किससे बड़ा होता है। सो गाइस, इसका ऑप्शन ए है सामाजिक स्वीकृति से, एंड ऑप्शन बी है व्याकुलता से, एंड ऑप्शन सी है नाम की तीव्रता से, एंड ऑप्शन डी है सामाजिक अस्वीकृति से। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक स्वीकृति से। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 यानी कि 64 नंबर का। सो गाइस, मेरी जन्मभूमि के लेखक हैं ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, एंड ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद, एंड ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जिस पर समाज की मुहर लगी होती है उस पद को क्या कहते हैं। तो गाइस, इसका ऑप्शन है ए है नाम, बी है ज्ञान, एंड ऑप्शन सी है सत्यनाम, एंड ऑप्शन डी है अज्ञान। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि नाम। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख प्रच्छलन और दातुन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि मुख प्रच्छलन और दातुन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन ए है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एंड ऑप्शन बी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एंड ऑप्शन डी है नामवर सिंह। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सो गाइस, आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देख लेना है 67 नंबर का कि भारतीय फलित ज्योतिष किस विधा की रचना है।
भारतीय फलित ज्योतिष किस विधा की रचना है? सो गाइस, इसका फर्स्ट ऑप्शन है निबंध, एंड सेकेंड ऑप्शन है उपन्यास, एंड थर्ड ऑप्शन है नाटक, एंड फोर्थ ऑप्शन है कहानी। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। सो गाइस, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट से की वीडियो आपको सबसे पहले लाए। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।